Mostly ने उनका पहला YouTube डाला था एंड उस वक्त जियो था बट उसका इतना हाइट नहीं था जिस वजह से आप देखोगे ना बिफोर द जियो एरा यूट्यूब को इतने लोग नहीं देखते थे और मन भी होता तो भी कैसे देखते आधी चीजें तो बफर होती रहती थी एंड इस वजह से मोस्टली से इनका भी दो साल का यूट्यूब जर्नी इतना खास नहीं था ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज फिफ्टी के व्यूज उन्हें मिलते थे हाँ उसके ओल्डेस्ट वीडियो में अभी आप जाओगे ना तो उसमें वन मिलियन व्यूज है बट वो इसलिए क्योंकि लोगों का एक टेंडेंसी होता है ना कि अगर कोई बड़ा यूट्यूबर है तो उसका सबसे पहला वीडियो कौन सा था ये देखने वो चले जाते हैं तो ये चक्कर कर में उसमें वन मिलियन हो गया है अदरवाइज दूसरे वीडियोज आप पहले के देखोगे तो आपको फिफ्टी के व्यूज मिलेंगे बट आफ्टर द जियो एराना इवन आर चैनल बूस्टेड अप लाइक एनीथिंग शी इवन कॉल्ड एनी फीमेल वर्जन ऑफ बीबी एंड दिस नेम गिवन आउट आउट ऑफ ऑफ बट लव ग्रोइंग बट हर बिजनेस की तरह इवन मोस्टली के चैनल पे भी एक टाइम आया जहां उनकी ग्रोथ रुक सी गई इसका मतलब ये नहीं कि अचानक से कॉन्टेंट गॉड बोरिंग और एनीथिंग नहीं उनका कॉन्टेंट वही था जस्ट ग्रोथ रुक गई विच मीनस जितना ऑडियंस को मोस्टली से टारगेट कर सकती थी उतने लोगों को उन्होंने कर लिया एंड एक टाइम के बाद उनके चैनल पर सैचुरेशन पॉइंट आ गया एंड ये सबके साथ होता है एक फेज रहता है जहाँ ग्रोथ होती रहती है बट आफ्टर अ पॉइंट वो रुक जाती है जिससे बोला जाता है पीक स्टेज तो अगर एक एग्जाम्पल लेके समझाओ तो ऐसे समझो कि एक शैंपू का ब्रांड है और ये शैंपू सिर्फ एक विलेज में बिक रहा है जहाँ 200 लोग रहते हैं और वो 200 गांव वालों में 50 गंजे हैं तो ये शैम्पू ब्रांड के मैक्सिमम जो कस्टमर्स बन सकते हैं ना वो होंगे 150 उसके ऊपर नहीं जाएंगे अज्यूम करके चलते हैं कि वो 50 गंजे लोग शैम्पू यूज नहीं करते तो शैम्पू जब स्टार्ट स्टार्ट में बिकेगा ना तब 10 कस्टमर आएंगे फिर अगले दिन 20 आएंगे एंड देन तीस आएंगे एंड ऐसे ग्रोथ होता जाएगा बट फिर एक दिन ऐसा आएगा जहाँ ये शैम्पू के ब्रांड के पास सारे के सारे एक कस्टमर्स आ जाएंगे जिनको ये टारगेट कर सकते थे सब उनके पास आ गए तो एक बार ये हो गया तो इसके बाद और कस्टमर्स नहीं आ रहे तो नंबर्स में आपको ग्रोथ नहीं दिखेगा सीधी सी लाइन दिखेगी दैट इज कॉल्ड सैचुरेशन पॉइंट एंड सेम जो रूल है ना वो यूट्यूबर्स पे भी अप्लाई होता है नॉट एवरी यूट्यूबर बट पर्टिकुलर यूट्यूबर जो एक नीच को टारगेट करके चलता है ना उन पे ये अप्लाई होता है सो so मोस्टली से इनकी ऑडियंस की बात करें ना तो मेजोरिटी ऑफ अर ऑडियंस कंसिस्ट ऑफ यंग फीमेल्स विच मीन एक टाइम के बाद उनका चैनल का भी ग्रोथ रुक जाएगा तो 2018-19 के सालों में ना इवन मोस्टली ने भी चीज नोटिस की होगी कि पिछले तीन सालों में ग्रोथ बढ़ रही थी बट अभी ग्रोथ रुक सी गई है कांस्टेंट हो गया है या स्टेडी हो गया है एंड ह्यूमन ब्रेन की ना एक टेंडेंसी है कि एक ही चीज बार 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 करके ना बोर हो जाता है लाइक like, ग्रोथ की ग्रीड सबको होती है एंड चेंज इज द ओनली दोस्टेंट एंड जब छह साल तक एक ही रूटीन आप फॉलो करते हो तो यू गेट बोर्ड नाइन टू फाइव जॉब करने वालों के पास यहाँ ऑप्शन होता है कि वो जॉब चेंज कर सकते हैं, एक नया एनवायरमेंट में जा सकते हैं बट बड़े बड़े यूट्यूबर्स के पास वो ऑप्शन नहीं होता इसलिए आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट दे गेट बोर्ड एंड ऑलमोस्ट सबके मन में ये आता ही है कि उन्हें यूट्यूब इस मोमेंट पे छोड़ना चाहिए बीबी के वाइन्स ने भी प्रॉब्लम के बारे में बात किया था जो आई सेट की रोज यही चीज करना और यही सोचना कि अगला क्या वीडियो बनाना है इस वेरी टायरिंग कभी कभी बोर हो जाता हूँ वही वही करके सो सी द इज़ एंटरटेनिंग मिलियंस ऑफ पीपल वो खुद अपने काम से बोर है एंड दैट्स नेचुरल और ये प्लेटफॉर्म भी ऐसा है विच इज अनप्रोडिक्टेबल एक सेफ्टी नहीं होती जैसे जॉब करने वाले को होती है सब क्रिएटर्स को एक डर रहता है ये पता नहीं नया कौन सा रूल अप्लाई हो जाए एंड इंडियन यूट्यूबर्स को छोड़ के फॉरिन चैनल्स की बात करे ना तो वहाँ तो ऐसे कई यूट्यूबर्स है एक यूट्यूबर था वहाँ जो गेमिंग चैनल चलाता था माइंड क्राफ्ट खेलता था वो काफी पॉपुलर था बट एक टाइम के बाद वो काफी बोर हो गया वही वही खेलते तो अचानक से एक दिन उसने ये डिक्लेयर किया उसके फैंस को की आज जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ वो मेरी लास्ट वीडियो है इसके बाद मैं शायद ही आऊंगा वापस तो यू सी कि अगर ब्रेन बोर हो जाता है तो एक्सट्रीम डिसीजन ऐसे लेता है सो इवेंचुअली इवन मोस्टली सेन ने भी यूट्यूब से अलग होने का डिसीजन लिया था 2019 में तो मोस्टली सेन ने वो सालों में ऐसे प्रोजेक्ट्स उठाए जहाँ वो एज होस्ट दिखाई दे रही थी अलग अलग यूट्यूब चैनल्स में अलग अलग चैनल पे काम करने की वजह से उसे एक नया एनवायरमेंट मिल रहा था बट इवन डिड नॉट वर्क आउट इसलिए था अगर ये चल जाता तो इसके बाद बैक टू बैक उन्हें और ऑफर मिलते फैक्ट की वेब सीरीज से लोग काफी पैसा कमाते हैं एंड उसका क्रेज भी अलग ही होता है लाइक फॉर एग्जाम्पल राधिका आप्टे को देख लो इंस्पाइट ऑफ बींग अमेजिंग एक्ट्रेस उन्हें फिल्मों में काम नहीं मिल रहा था बट वेब सीरीज़ से जो उन्हें फेम मिला है ना वेरी इंप्रेसिव अभी उन्हें फिल्मों में भी आराम से काम मिल रहा है so, कही ना कही प्राजक्ता का भी प्लान होता। वो यूट्यूब पूरी तरह से चला क्रिटिक्स को ये सीरीज कुछ खास नहीं लगा एंड प्राजक्ता का जो ये चांस था यूट्यूब के अलावा भी कुछ करने का वो कहीं ना कहीं वर्कआउट नहीं किया Even वो मोमेंट पे ऑल में उसने दो तीन महीने लगा दिए एंड उतना फायदा उसे नहीं हुआ तो इट इज नॉट व रिस्क जिसके बाद रूटीन ऑफ मेकिंग आई एम नॉट सेन शीट ट्राई फॉर वेब सीरीज शी विल सो इफ यू अगेन एवर वंडर की क्यूँ बड़े बड़े अचानक से यूट्यूब छोड़ने का डिसीजन लेते है सो दिस इज द रीजन सब बोर हो जाते हैं इंसान है एंड इट है and it happens. ग्रोथ इज समथिंग दैट एवरी वन नीड्स नहीं तो ऐसा लगने लगता है कि एक सिचुएशन में फंस गए हो सो या लेट मी नो आपको मोस्टली सेन उनके वीडियो में ज्यादा इंटरटेनिंग लगती है मिस मैच वाले वेब सीरीज में आपको ज्यादा इंटरटेनिंग लगी आपका ये ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और और कौन से यूट्यूबर के बारे में आप चाहते हो कि मैं बात करूँ तो वो भी बताइए और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें थैंक यू